हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक प्ले की, जो कि गिरीश कर्नड द्वारा लिखी गई है। तुगलक को समझे उससे पहले हम उनके राइटर के बारे में जान लेनी चाहिए। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 में महाराष्ट्र के मैथरन में हुआ। हालांकि कुछ निजी कारणों के वजह से वो 14 वर्ष की आयु में ही कर्नाटका शिफ्ट कर गए। उन्होंने कर्नाटका से ही अपनी बैचलर डिग्री हासिल की। उसके बाद 1958 में वो लंदन मूव कर गए। वहाँ उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की, और डिग्री हासिल करने के बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस के साथ मिलकर 7 साल काम किए 1968-70 के बीच में। उसके बाद वो वहाँ से रिजाइन मारकर इंडिया वापस आ गए और यहीं चेन्नई में ही थिएटर करने लगे। और ये प्ले उसी समय का है। एक्चुअली ये प्ले उनकी सेकेंड प्ले थी, जो कि 1964 में कन्नड़ में पब्लिश हुआ था। और इससे पहले जो प्ले थी वो ययाति थी, उस प्ले का नाम था, और उसके बाद ही इस प्ले को पब्लिश किया गया। तो ये तुगलक है क्या? तुगलक जो प्ले है वो मोहम्मद बिन तुगलक की लाइफ पर बेस्ड है। तुगलक 14th सेंचुरी का मुगल एम्पायर था। लगभग 25-26 साल उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। हिस्टोरियन की माने तो उसे मैन ऑफ आइडिया कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट था। अभी तक का इसके जैसा कोई राजा नहीं आया था दिल्ली सल्तनत में। तो प्ले स्टार्ट होता है। इस प्ले में तुगलक के डिसीजन को और उसके शार्प डिसीजन को पॉइंट आउट किया गया है, और इसमें उसकी अच्छाई और बुराई को दोनों कैरेक्टर को दिखाया गया है। इतना ही नहीं, उस परिस्थितियों में इसका क्या हाल रहता है वो भी बताया गया है। तो प्ले स्टार्ट करें उससे पहले इस प्ले की मेन कैरेक्टर को जान लीजिए। तो जो सबसे मेन कैरेक्टर है इस प्ले में वो तुगलक का है, उसके बाद अजीज़ का है, फिर उसकी स्टेप मदर का है, फिर अजाम और नजीब, और फिर शेख इमाम उद्दीन। तो प्ले स्टार्ट होता है चीफ कोर्टरूम के सामने से, जहां कुछ मुस्लिम ग्रुप और कुछ हिंदू ग्रुप आपस में सुल्तान के डिसीजन पर चर्चा कर रहे होते हैं। कैजुअली वो सुल्तान के पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे होते हैं और बताते हैं कि सुल्तान अपनी हुकूमत अब दौलताबाद शिफ्ट करने वाला है, जहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू पॉपुलेशन रहती है, और वो उन लोगों को किसी भी भेदभाव से नहीं देखता। उसके बाद का जो सीन स्टार्ट होता है वो तुगलक के चैम्बर से स्टार्ट होता है, जहाँ वो चेस खेलता रहता है और उसकी स्टेप मदर बताती है कि आप अपने सिक्योरिटी का प्रॉपर ख्याल रखिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एम उन मुल्क तुगलक के किंगडम पे अटैक कर चुका है। मोहम्मद नजीब और जियान उद्दीन, जो कि पॉलिटिशियन और हिस्टोरियन रिस्पेक्टिवली, वो तुगलक के बहुत खासम खास आदमी है। वो उन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। इस सीन में तुगलक के क्राइम को भी दर्शाया गया है कि कैसे वो अपने ही पॉलिटिकल एम्बिशन को लेकर अपने पिता और अपने भाई का कत्ल कर दिया था, और आरोप लगाता है कि वो उस पागल हाथियों के चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद का जो सीन है उसमें शेख इमाम उद्दीन तुगलक को नसीहत दे रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अपना ताकत, अपनी इंटेलिजेंस को सल्तनत को आगे बढ़ाने में लगाओ, ना कि भगवान बनने की कोशिश करो। तो ऐसे में वो अपने ज्ञान से समझाता है कि इस मुल्क में सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, इन सभी का ख्याल रखना एक राजा का कर्तव्य होता है, और वो हर किसी को इक्वल ही ट्रीट करता है। नेक्स्ट सीन में स्टेप मदर तुगलक की चर्चा कर रही होती है सिहाब उद्दीन, जो कि दरबारी रहता है, उससे उसकी हालचाल पूछ रही होती है। और इस समय शेख की अचानक मौत होने की खबर आती है। वो वही शेख रहता है जो तुगलक को नसीहत देता था। ये सुल्तान का ही प्लान था। नेक्स्ट सीन में सिहाब उद्दीन और राजा रतन सिंह दोनों सुल्तान को मारने का प्लान बनाते हैं, पर सुल्तान बच जाता है, ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और ये सब जब चल रहा होता है तो वो अपनी दिल्ली सल्तनत के काफिले को दौलताबाद शिफ्ट कर रहा होता है, और अब वो वहाँ आकर सबसे पहला काम ये करता है कि चांदी के सिक्के के बदले कॉपर वाली जो सिक्के हैं वो जारी करा देता है। मतलब पहले चांदी के सिक्के चल रही होती है, वो वहाँ जब पहुँचता है तो सोचता है कि इसे कॉपर से रिप्लेस करके हमें इसे इकोनॉमी में फायदा होगा, इससे अच्छे से इकोनॉमी को मैनेज करके चल सकेंगे। नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि सब कोई बैठे रहते हैं एक दरबार में, वहाँ पे तुगलक, उसके करीबी मेन जो भी आदमी रहते हैं वो सब बैठे रहते हैं, और वो सब तुगलक पे इल्जाम लगाते हैं कि कैसे वो लोगों को मरवा दिया, उसने अपने राज्य में अपने राज्य के कंडीशन को अनस्टेबल कर रखा है। पर सुल्तान
वो इनकार कर देता है। वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या होता है, अजीज़ और अजाम वो दोनों दोस्त रहते हैं। अजीब का दिमाग शैतानी वाला होता है, मतलब मिस्चिवियसली वाला, और अजीज़ और अजाम किसी भी राह चलते को लूट लेते थे। एक दिन क्या होता है, अजीज़ ग्यासुद्दीन अब्बासिद को किडनैप कर लेता है। अब्बासिद खलीफा का वंशज रहता है। अजीब कुछ पैसों वैसों के चक्कर में उसे मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। अगले सीन में क्या होता है, जो स्टेप मदर रहती है वो तुगलक से बात करती है इस मुल्क के इकॉनमी को लेकर, कि कैसे वो अपने सिल्वर और कॉपर वाले आइडिया से टोटल इकॉनमी को कोलैप्स कर दिया है, कंडीशन खराब हो चुका है। पर सुल्तान अपने खास दोस्त की मर्डर से चिंतित रहता है। पर यहाँ उसकी स्टेप मदर रिवील करती है कि उसी ने नजीब को मरवाया है, क्योंकि वही है जो सुल्तान को बहकाता था और बहकाकर स्टेट में मर्डर करवाता था। ये सुनकर तुगलक शॉक हो जाता है और यकीन नहीं कर पाता है। तुगलक को लगता है कि वो जिसे इतना भरोसा करता था वो आज उसे धोखा दे दिया है, यानी उसकी स्टेप मदर। और वो आदेश देता है कि स्टेप मदर को स्टोन पेल्टिंग द्वारा पत्थरों से फेंक फेंक कर उसे मार दिया जाए। इस टाइम तुगलक बहुत हॉपलेस हो जाता है, क्योंकि जो उससे बेहद करीब रहते हैं वो एक एक करके उसका साथ छोड़ते जाते हैं। और इस टाइम में वो बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है और यहाँ वो कुछ कहता है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, बुरानी जो उसका आदमी रहता है सुल्तान का, वो अनाउंस करता है कि खलीफा के वंशज आ रहे हैं और अब हम सब वापस से प्रेयर स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली में अजीब खलीफा के वंशज को मार कर का भेष इख्तियार कर लेता है, मतलब जो अजीज से मारता है का वो रूप धारण कर लेता है, और अब जो आ रहा है वो अजीज ही रहता है, लेकिन वो खलीफा के वंशज के तौर पे आ रहा है तो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, वो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और वो अपनी बात उन लोगों को बताते हैं जो ये न्यूज़ दिए। वो बोलते हैं कि हमें प्रेयर से कोई मतलब नहीं, हमें प्रेयर नहीं चाहिए, हमें इसके बदले रोटी और खाना चाहिए। वो सब स्टार्व से मर रहे होते हैं। यहाँ अजीज गियासुद्दीन के भेष में रहता है, उसका इंटेंशन तुगलक को मारने का रहता है। तुगलक उसे पहचान नहीं पाता है, पर एक हिंदू लेडी वो पहचान लेती है। वो चिल्ला चिल्ला कर बताती भी है सबको, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि अजान वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, पर अजीब उसे ये पसंद नहीं होता है। वो बोलता है कि मुझे तुगलक को मार कर यहाँ का बादशाह बनना है, मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और वो सुल्तान बनने का सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो होता है, जो सुल्तान का साथी जो उसका बेहद करीबी दोस्त रहता है पुरानी, वो अपनी माँ के फंडरल में जाना चाहता है, पर सुल्तान इसकी एब्सेंस को भांपता है। वो बोलता है अगर ये चला जाएगा तो मुझे सिक्योरिटी में दिक्कत हो जाएगी, मुझ पर किसी भी तरह का कोई भी अटैक हो सकता है, तो इस बात को लेकर वो चिंतित हो रहा होता है। बुरानी सुल्तान को बताता है कि अजान पकड़ा गया है और वो उसे मार देता है। और ये सब जब होता है तो अजीज डर के सामने आ जाता है और वो अपना ट्रूथ जो छिपा रहा होता है उसको सामने लाता है। तो ऐसे में सब सोचते हैं कि सुल्तान अब इसे भी मरवा देगा, पर सुल्तान का यहाँ एक डिसीज़न होता है। वो बोलता है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने हर किसी को खो दिया है, और मैं अब एक फ़ैसला भी करता हूँ कि मैं अपनी सल्तनत को दौलताबाद से वापस दिल्ली ले जाऊँगा। तो ये प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करना।